सुबह का नाश्ता हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर डालता है, जिसके कारण इसे हमें सोच समझ कर करना चाहिए। सुबह का नाश्ता हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, और अगर सुबह सुबह आपने कुछ गलत खा लिया तो यह आपके लिए मुसीबत बन सकता है और आपको बीमार भी डाल सकता है, इसीलिए इसे सोच समझ कर करना चाहिए। सुबह सुबह ऑफिस भागने की जल्दबाजी में हम कुछ भी खाली पेट खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आपकी यह आदत सेहत पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि सुबह का नाश्ता स्किप करने से आप बुरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं, और फिर बाहर जाकर आप अनाप शनाप चीजें खा लेते हैं। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार कुछ चीजों को खाली पेट खाने से मना करते हैं। हालिया शोध में अब इस बात को साबित भी कर दिया गया है। आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें कभी भी खाली पेट नहीं खानी चाहिए। यह चीजें कभी भी खाली पेट ना खाए। मसालेदार खाना। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कभी भी स्पाइसी या बहुत मिर्च वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। इससे पूरे दिन पेट में एसिडिटी बनती है और यह अल्सर की वजह भी बन सकता है और आप पूरे दिन बेचैन रहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक्स, खास तौर से कोल्ड ड्रिंक्स, खाली पेट कभी भी पीने की गलती ना करें। इनमें उच्च मात्रा में कार्बोनेट एसिड होता है। यह पेट के एसिड से मिलकर गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा आपको गैस और उल्टी की समस्या भी झेलनी पड़ सकती है, जो आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकती हैं। ठंडे पेय पदार्थ। खाली पेट गलती से भी ठंडे पेय पदार्थ, जिन्हें हम कोल्ड बेवरेज कहते हैं, नहीं पीने चाहिए, जैसे कि कोल्ड कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स आदि। यह आपके पेट के मुकस मेम्ब्रेन यानी कि पेट की उस झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है जो पाचन क्रिया में मददगार होती है। खाली पेट ठंडे पेय पीने से डाइजेशन धीमा हो जाता है। इसकी जगह आप गर्म ग्रीन टी या हल्का गर्म पानी पीकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे सेहत के लाभ मिलेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। खट्टे फल। खाली पेट खट्टे फल ना खाएं, जैसे कि संतरा, नींबू, अमरूद आदि। खाली पेट न खाएं, इससे पेट में एसिड बनती है। ये बात ठीक है कि इससे आपको फाइबर और फ्रुक्टोज भी मिलेगा, लेकिन इससे आपका पाचन तंत्र भी धीमा हो जाएगा, इसलिए इन्हें खाली पेट कभी ना खाएं। कॉफी। खाली पेट कॉफी पीना भी आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। इसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है। दरअसल कॉफी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव को रोकता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक चलता है और गैस्ट्रिक की समस्या रहने लगती है, इसीलिए कभी भी खाली पेट चाय वा काफी पिए। नाश्ते में खाए यह चीजें। ओटमील। ओट्स में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट और पोटेशियम पाया जाता है, जो कि दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे हमें कई तरह के फायदे होते हैं। केला। केले से अच्छा कोई नाश्ता नहीं है, इसे दूध में मैश करके खाए या ऐसे ही, ये दोनों तरह से फायदा करेगा और आपका वजन अगर बहुत कम है तो यह उसे भी बढ़ाएगा। केले में बहुत मात्रा पोटेशियम है, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है। अंडा। अंडे में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन डी। रोज एक अंडा खाने से आप पूरे दिन की विटामिन डी की खुराक पूरी कर सकते हैं। अंकुरित मोट। अंकुरित मोट स्वाद और सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। यह सुबह के नाश्ते के लिए बहुत अच्छा और हल्का रहता है, और इसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बीन्स को आसानी से घर में अंकुरित किया जा सकता है, इसी तरह मूंग और चने को भी अंकुरित किया जा सकता है, इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। सेब। रोज एक सेब खाए और रोगों को दूर भगाए, और सेब पौष्टिक तत्वों से भरा है। ये ना केवल रोगों से लड़ने में मदद करता है, बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है। सेब रेशे वाला फल है, इसीलिए इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें, उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को व अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें hashmi.com चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप hashmi.com की हेल्थ संबंधी जानकारियों की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ।